नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। कोरोना ने एक बार फिर दुनिया में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस खबर को सुनकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों को उन दिनों का डर सताने लगा है जो 2020 में हुआ था। बता दें कि कोरोना से हो रही मौतों का प्रकोप कुछ देशों में जारी है। चीन में कोरोना से मचे कोहराम को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। भारत में भी केस फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2670 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के मामले बढ़कर अब 4,46,78,822 हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,45,445 हो गई है। भारत के टॉप 5 राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से भी अधिक मामले केरल में बढ़ रहे हैं, जिस कारण यहां कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र है। बता दें कि केरल में 1,444 मामले हैं, कर्नाटक में 236, महाराष्ट्र में 161, ओडिशा में 88 और तमिलनाडु में 86 एक्टिव केस है। देश में दर्ज हो रहे नए मामलों की संख्या भले ही इस वक्त कम है, लेकिन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। चीन जैसे हालात देश में पैदा ना हो, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि नए वेरिएंट का वक्त रहते पता चल सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जानकारों ने अनुमान लगाया है कि ये वेरिएंट भारतीय आबादी को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर बताया गया है कि भारतीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक 220.10 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने तो अपनी तैयारियां कर ली है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाले दिनों के आंकड़ों से ही पता लगेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 44। नमस्कार।